जिला सिवनी मध्य प्रदेश के पृथ्वीराज चौहान वार्ड क्रमांक 24 के शंकर चौक भैरवगंज की यह घटना है, जहां पर पानी की बहुत समस्या है। यहां पर 80 परिवार हैं जिसकी जनसंख्या 350 है। यहां के नलों की गहराई जमीन से 5 फुट नीचे होने के बाद भी यहां के लोगों के घरों में पानी पर्याप्त नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वीराज चौहान वार्ड अकेला नहीं है, इसके साथ 5 वार्ड और भी हैं जहां पर पानी को लेकर बहुत सी परेशानियां होती हैं। हमारे मोहल्ले में ये समस्या है कि ये पिछले 2008 से ये टंकी बन रही है और अभी 2014 हो गया, अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरी चीज कि इस मोहल्ले की जो लाइन है, जो मजदूर वर्ग है, यहाँ से दूसरे मोहल्ले को नगर पालिका मंजूरी दे के यहाँ से कनेक्शन डलवाती है, उसका वो तो डलना नहीं चाहिए, जो कि अवैध रूप से हमारे साइड से डलती है और डली हुई है। एक ही कनेक्शन पे 4 कनेक्शन डले हुए हैं। कहाँ से पानी ला रही हो? मैं कुएं से ला रही हूँ पानी अभी। अच्छा, यहाँ क्यों पानी भरते हैं कुएं में? नल में, घर में कुछ पानी से नहीं आता है, उसमें कल भी 2 बूंदी पानी भर रही थी, उसमें आधी बूंदी में पानी बंद हो गया। पानी से मिलते 3-4 दिन तक पानी से नहीं आता, पानी बहुत समस्या हो जाती है। आपके यहाँ कनेक्शन है, नल कनेक्शन है, मगर कुछ चलता ही नहीं है, कुछ पूरा बंद रहता, सूखा पड़ा, आप जाके देख सकते हैं। पानी को लेकर हमको यही समस्या है कि 2-2 दिन नल नहीं आते, और वो छेर से जो पानी आता है उससे बर्तन कपड़े यूज़ करते हैं, और 2-2 दिन 1-2 बूंदी छिलता है तो वही पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए। और अच्छा, नल नहीं आता तो आप पानी कहाँ से लाते हैं? फिर यहाँ जाते हैं, दे दिए, नहीं तो 1-2 बूंदी दे दिए पीने के लिए, हम उसी में समस्या हल करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये 2008 से बंद है और बंद है, 5 मिनट का नल देने का जो टाइम है 8 बजे का है, 8 बजे से 8:05 या 8:10 तक दिया जाता है, इसके बाद बंद हो जाता है, जिसमें किसी भी मोहल्ले के लोगों को पानी नहीं मिलता है। और पानी के लिए पीएच कलेक्ट्रेट के आगे की टंकी जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, कभी कभी वहाँ से भी हम लोगों को खाली आना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, किसी भी काम का जब कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है तो उसको पूरा करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसकी। इस वजह से पानी की समस्या होना चाहिए और ये पानी की टंकी विशेष रूप से बनना चाहिए, जिससे हमारी सारी समस्याएं सभी लोगों की दूर हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये टंकी जल्द से जल्द बने और इसमें यहाँ से जो 4 इंची लाइन डली हुई है इसको बड़ी लाइन पर डाला जाए, जिसमें पूर्ण लोगों को बराबर पर्याप्त पानी मिले। नल खोलने वाले भी ढंग से नल नहीं खोलते, एक आधा घंटा भी नहीं दे पाते और बस नल बंद कर देते, सबको 2-2 गुंडी पानी मिलता है, सब परेशान है पानी से, इसलिए टंकी का जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। मेरी मदद करने हेतु इस नंबर पर कॉल कर अधिकारियों पर दबाव बनाएं। कलेक्टर महोदय श्री भरत यादव, जिनका मोबाइल नंबर है 9425827500। मैं रेखा भांगरे, जिला सिवनी मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।